पिछले दिनों BHU में हुआ, उसके पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हुआ, उससे एक बात तो बहुत साफ लग रही है कि जो हमारा निज़ाम है आज का, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटीज रहें, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी कहीं से बची रहे। मेरे एक दोस्त अक्सर एक किस्सा सुनाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, आज़ादी के पहले की बात है, सावरकर को वहाँ बोलने जाना था, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने मना किया कि सावरकर को ना बोलने दिया जाए, तो लंदन की गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी को कहा कि सावरकर को ना बोलने दिया जाए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि गो टू हेल, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ सब बोल सकते हैं। ये थी आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी जो कल वाइस चांसलर साहब रवीश भाई को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यूनिवर्सिटी गुरुकुल नहीं होती है, बगिया नहीं होती है, यूनिवर्सिटी राजनीति की जगह होती है। अगर लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी में राजनीति नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? चौराहे पर राजनीति करेंगे, पान की दुकानों पर राजनीति करेंगे, या इन नेताओं के घरों में जाकर राजनीति करेंगे? मोहन प्रकाश जी अभी बोल रहे थे, एक से एक छात्र नेता चंद्रशेखर जी निकले हुए हैं, एक से एक छात्र नेता यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, और उन्होंने देश में कितना कितना शानदार काम किया है उन्होंने, हमने देखा है, क्योंकि वो शिक्षा को जानते हैं, समाज को जानते हैं, लड़ना जानते हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए यहां तक आते हैं। आप एक तरफ वंशवाद का विरोध करेंगे, एक तरफ आप कहेंगे नेता हाईजैक नहीं किए जाने चाहिए ऊपर से, और दूसरी तरफ जिन जगहों से राजनीति पनपती है, जिन जगहों से सही राजनीति पनपती है, वहां अपने जेन्युइन मुद्दों के, जेन्युइन मुद्दों की मांग करने पर लड़कियों तक पर आप लाठी चलाएंगे। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि इमरजेंसी के समय महिलाओं पर लाठी चली थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं याद है। मैंने पूछा आजादी की पूरी लड़ाई में आपको याद है कि महिलाओं के ऊपर पुरुषों ने लाठी चलाई थी? उन्होंने कहा मुझे नहीं याद है। इसके बाद कुछ कहने के लिए बच जाता है, और उसके बाद एक बेशर्म आदमी नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर बोलता है कि कोई लाठी नहीं चली थी, पेट्रोल पंप चल रहा था, और क्या और क्या और क्या। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मुझसे शबनम ने कविता पढ़ने के लिए कहा था, कविता तो नहीं है, कुछ पूरबिया गीत जैसा है, मैं गोरखपुर का हूँ, कुछ वैसा ही पढ़ने की कोशिश करूंगा। बस कल बहस चल रही थी कि उनको क्या कहा जाए, मुझे कुलबोरन शब्द समझ में आया। का कुलबोरन सत्यानाशी, कौन गली से पहुंचे काशी? का कुलबोरन सत्यानाशी, कौन गली से पहुंचे काशी? कहां से ऐसा पाठ पढ़े तुम, झूठ के बल सब ठाट गढ़े तुम, लाज शरम सब घोर के पिए, और कुर्सी के दास बने तुम। बाल सफेद करम सब कारे, देख देख मोए आवत हाथी। नवरात्र में शर्म ना आई, लड़किन पर लाठी चलवाई, और टीवी पर बेशर्मी से इधर उधर की पलटी खाई। तुम जनरल यू रोज बन गए, बनी लड़कियां रानी झांसी। तुम जनरल यू रोज बन गए, बनी लड़कियां रानी झांसी। औरत के तुम कोक से जाए, कबीर को याद कीजिएगा, औरत के तुम कोक से जाए या फिर आन राह से आए, खाकी कच्छा पहन के तुमने कैसे कैसे स्वांग रचाए। तुम शिक्षक के नाम पे धब्बा, छोड़ो कुर्सी, मांगो माफी। शुक्रिया।